प्रशासनिक विधि के क्रम में आज हम देखेंगे कि प्रशासनिक विधि की क्या परिभाषा दी जा सकती है, क्या विधि शास्त्रियों ने परिभाषा दी है। तो देखिए, प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की वह शाखा है जिसका मुख्य संबंध शासन के विभिन्न अंगों के संगठन, शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों से होता है। इस विधि का उद्देश्य प्रशासन के अनुचित और अवैध कार्यों पर नियंत्रण रखना होता है। प्रशासनिक विधि की परिभाषा, इसकी प्रकृति, क्षेत्र तथा विषय वस्तु की व्याख्या के विषय में अनेक प्रयत्न किए गए हैं, किंतु कोई भी प्रयत्न संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ परिभाषाएं अत्यंत विस्तृत अर्थ में हैं और कुछ जो है अत्यंत संकीर्ण अर्थ में हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं प्रोफेसर डाइसी। तो देखिए, प्रोफेसर डाइसी के अनुसार प्रशासनिक विधि राष्ट्र की विधि प्रणाली के प्रभाग से संबंधित है, जो सभी राज्य पदाधिकारियों की विधिक स्थिति और दायित्व अवधारित करते हैं, जो प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों एवं दायित्वों को लोक प्राधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, व्यवहार करने में निश्चित करती है, और जो प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करती है उसके द्वारा उन अधिकारों और दायित्वों को प्रवर्तित किया जा सकता है। आगे देखते हैं जेनिंग्स। तो जेनिंग्स ने डेफिनेशन दिया है कि प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है, वह प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निश्चित करती है। प्रोफेसर केसी डेविस देखते हैं कि प्रशासनिक विधि वह विधि है जो प्रशासनिक अभिकरणों की शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंध रखती है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से ऐसी विधि सम्मिलित है जो प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा को नियमित करती है। प्रोफेसर वेड देखिए, इनके अनुसार क्या है, सार्वजनिक प्राधिकारियों का संगठन, उनकी कार्य की विधि, उनके अधिकार चाहे प्रशासनिक हो या न्यायिक, तथा उन अधिकारों पर न्यायिक नियंत्रण ही इंग्लैंड की प्रशासनिक विधि का क्षेत्र है। प्रोफेसर हार्ट देखिए, व्यापक अर्थ में इनका कहना था कि व्यापक अर्थ में प्रशासनिक विधि परिनियमित विधि तथा प्रशासनिक प्राधिकारियों को नियंत्रित करने की विधि को सम्मिलित करती है। और इसी संदर्भ में हम जैन एंड जैन देखते हैं कि एमपी जैन तथा एसके जैन ने प्रशासनिक विधि की विस्तृत परिभाषा देने का प्रयास किया कि सबसे पहले देखिए कि उन्होंने चार पहलू बताए थे ना। पहला यह है कि यह प्रशासनिक प्राधिकारियों की संरचना और शक्तियों से संबंधित है। दूसरी, यह प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्तियों की सीमाएं नियत करती है। तीसरी, यह ऐसे प्राधिकारियों तथा शक्तियों के प्रयोग करने में अनुसरण की प्रक्रिया बताती है। और चौथी, यह ऐसे प्राधिकारियों को न्यायिक नियंत्रण और अन्य साधनों द्वारा नियंत्रित करती है। तो वस्तुतः प्रशासनिक विधि के अध्ययन में प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक नियंत्रण पर ही बल दिया जाता है, क्योंकि सामान्य जनता न्यायालय से यह अपेक्षा करती है कि उसे प्रशासनिक अधिकारियों तथा अधिकारों के दुरुपयोग किए जाने पर सही उपचार मिल सके। भारत जैसे विकासशील प्रजातांत्रिक देश में कल्याणकारी राज्य की भूमिका अदा करने के सिलसिले में प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में अभूतपूर्व अभिवृद्धि हुई है, जिसके कारण यह अनुभव किया जाने लगा है कि प्रशासनिक विधि के अंतर्गत न्यायिक नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य प्रकार के न्यायिकेतर नॉन जुडिशियल कंट्रोल्स नियंत्रण के तरीकों को भी अपनाना पड़ेगा। और न्यायिक नियंत्रण प्रशासनिक अधिकारों के हर तरह के दुरुपयोग में सुलभ नहीं हो सकते हैं, अतः प्रशासनिक विधि को सभी प्रशासनिक कार्यों के प्रत्येक प्रकार के नियंत्रण का अध्ययन कहा जा सकता है। तो किस प्रकार प्रशासनिक विधि या प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण है, तो प्रशासनिक विधि इन्हीं का अध्ययन है। तब हम देखते हैं प्रशासनिक विधि का महत्व क्या है। तो देखिए, पिछले 100 वर्षों में सरकार के कार्य क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। इस संदर्भ में हमने पहले वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। केवल सुरक्षा, जन शांति, दंड विधि का पालन,
तथा अन्य कुछ सामान्य कार्यों के अतिरिक्त वर्तमान राज्य कुछ ऐसे कार्यों को भी करने लगा है जिसे हम समाज कल्याण की संज्ञा देते हैं या लोक कल्याणकारी राज्य। 18वीं शताब्दी पर का वह व्यक्तिवाद जो है वो समाप्त हो गया है। अब तो सरकार नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में समाज कल्याण दैनिक उपयोगिता के नियम भी बनाने लगी है, जैसे जन स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था के लिए सहायता, उत्पादन, आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उचित प्रबंध करना इत्यादि इत्यादि। इन सब कार्यों के बढ़ जाने के कारण प्रशासन प्रक्रिया में भी परिवर्तन हुआ है। इन सब बातों को करने के लिए सरकार के लिए कुछ विधायनी तथा न्यायिक कृत्यों को करना आवश्यक हो गया है। अतएव कार्यपालिका को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि किसी भी विधि को उचित रूप से लागू करने के लिए वह उचित नियमों को बनाए और आवश्यकता अनुसार आदेश जारी कर सके। तो जब प्रशासन को इस प्रकार के कृत्यों को सौंपा गया तो यह भी आवश्यक हुआ कि उस पर उचित नियंत्रण हो, अन्यथा इन अधिकारों का दुरुपयोग भी हो सकता है तथा संभव था कि इससे एक तंत्र का प्रादुर्भाव हो जाए। प्रशासनिक विधि का कार्य इस प्रकार होने से बचाएं। महान दार्शनिक ग्रिफिथ। ने लिखा है कि प्रशासनिक विधि वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाती है। यह जनता के अधिकार तथा प्रशासन के अधिकारों के बीच एक साम्य स्थापित करती है। और अगर हम सारांश रूप में कहना चाहें तो प्रशासनिक विधि या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो नेसेसरी एविल है, ऐसा कह सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि प्रशासनिक विधि के स्रोत के बारे में। तो सबसे पहला स्रोत जो है या सोर्स जो देखें, सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तो सबसे पहला स्रोत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, भारतीय संविधान लिखित संविधान है जो कि भारतीय प्रशासनिक विधि के संवैधानिक वृद्धि एवं संगठन का मूल स्रोत है। संविधान प्रशासनिक विधि के संगठनों को और उसके तत्वों की एक संरचना है तथा उन्हें मान्यता प्रदान करता है। दूसरा जो है आपका वो है विधान, स्टेच्यूट्स। तो विधान जो है प्रशासनिक विधि का प्रमुख स्रोत है। प्रशासन को शक्तियां विधान द्वारा ही सौंपी जाती हैं। विधान में संसद तथा विधानमंडल द्वारा बनाया गया निर्मित विधान, प्रत्यायोजित विधान इत्यादि भी शामिल होता है। इस प्रकार एक ये आपका स्रोत हुआ विधान का। तीसरा है ऑर्डिनेंस या अध्यादेश। तो देखिए, अध्यादेश पारित करने की शक्ति कार्यपालिका प्रमुख की होती है, जिसके द्वारा कार्यपालिका विधि का निर्माण करती है। अध्यादेश को प्रशासनिक विधि का प्रमुख स्रोत माना जा सकता है। अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। तो कुछ विशेष कारणों के कारण क्या होता है कि विधान बनाने की शक्ति को प्रत्यायोजित कर दिया जाता है। इस शक्ति के तहत जिस विधान का निर्माण किया जाता है वह प्रत्यायोजित विधान कहलाता है। और प्रत्यायोजित विधान का पहला जो उदाहरण है वो 1600 का चार्टर है। और प्रत्यायोजित विधान प्रशासनिक विधि का एक प्रमुख स्रोत है। और उसके बाद आगे का जो सोर्स देते हैं वो है न्यायिक निर्णय, तो जुडिशियल व्यू जो है, जुडिशियल डिसीजंस जो हैं, उनको बोल सकते हैं हम कि ये आपके स्रोत हैं। तो भारतीय प्रशासनिक विधि प्रमुखता न्यायिक निर्णयों पर ही आधारित है, इसीलिए न्यायिक निर्णयों को प्रशासनिक विधि का प्रमुख स्रोत माना जा सकता है। और उसके बाद देखें हम कि जो समितियों की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, उनको भी हम बोल सकते हैं कि ये जो है प्रमुख स्रोत है आपका प्रशासनिक विधि का। तो समितियों की रिपोर्ट का प्रशासनिक विधि में अत्यधिक महत्व होता है तथा इन रिपोर्टों को प्रशासनिक विधि का प्रमुख स्रोत माना जा सकता है। तो ये सभी जो स्रोत हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेच्यूट्स, ऑर्डिनेंस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजंस और रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज जो हैं, इन सभी को क्या बोला जा सकता है कि इन सब का योगदान है और ये प्रशासनिक विधि के प्रमुख स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं।
आप अगर इसी तरह के टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो दूसरे भी देख पाएँ तो आप शेयर करें। और टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।